बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक चालू है मैम करते हैं। जी, ओके पूछिए। कुछ समय के लिए अपने मन को बाहरी वातावरण से हटाकर मेरी आवाज पर ध्यान देंगे। सुबह का ये समय हमें परमात्म मिलन का बहुत ही सुनहरा अवसर देता है। बहुत ही भाग्यशाली हम बच्चे हैं जिन्हें खास कर परमात्मा सुबह सुबह मिलने आते हैं। इसी नशे से, इसी उमंग और उत्साह से हम अपने आप को एक बहुत ही सुंदर बगीचे में देखते हैं। फूलों से सुसज्जित ये बगीचा, वैरायटी प्रकार के फूल और अलग-अलग कलर के फूल दिखाई देते हैं। लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, पिंक, जामली, इतनी वैरायटी के ये फूल और उस फूलों में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ पंछियों की गड़गड़ाहट ऊपर से आती हुई सूर्य की किरणें बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाला ये सीन, और सामने एक फूलों से सजा हुआ झूला दिखाई दे रहा है। इस झूले पर जाकर मैं बैठ जाती हूँ और अपनी लवलीन स्थिति में, प्यार में डूबी हुई, समाई हुई इस झूले पर दिल से गाना गा रही हूं। पाना था सो पा लिया, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। और इसी संकल्प के साथ मेरे सामने बाप दादा आकर खड़े हो गए और दृष्टि से, अच्छे स्मित से मुझे निहारने लगे और मैं बाबा को कह रही हूं,
कि आप भी मेरे साथ झूले पर बैठ जाइए। तो अब मैं और मेरे साथ बाप दादा साथ में झूले पर झूलने लगे। बाप दादा ने वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिया और जैसे मेरी आत्मा और शरीर की हर कर्मेंद्रिया एकदम प्रफुल्लित खुशखुशाल हो गई। मैं और बाप दादा साथ साथ झूलते हुए अतींद्रिय सुख का अनुभव होने लगा। यही एक ऐसी घड़ी है जो मेरे जीवन में बहुत ही यादगार है। मैं सही में बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली हूं कि अतींद्रिय सुख का झूला स्वयं भाग्य विधाता के साथ बैठकर उसकी अनुभूति करने का मुझे अवसर मिला और इसी अनुभूति के साथ हम अपने आप को उमंग और उत्साह में पाते हुए अपने मस्तक सिंहासन पर आत्मा का स्थान इस शरीर में ग्रहण कर लेंगे और कुछ समय इसी अनुभूति में रहेंगे कि मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबने झूला झूला बाबा के साथ में जी अतींद्रिय सुख में सब झूलने लगे ना। ओम शांति झूला। बहुत अच्छी बात है। आज अब 3 जुलाई बाबा के साकार महावाक्य हम आज सुनेंगे। आज की वाणी में बाबा बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया को भूलना है और साथ साथ सोई हुई आत्माओं को जगाना है। और बाबा ने कहा कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करते करते
कर्मयोगी बनकर बाबा की याद में भी रहना है, अपने विकर्मों को भी चुप्त करना है। तो आज बाबा के मीठे मधुर महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। कल गए थे ना नई दुनिया में हम, तो बाबा कहते अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, महसूस होता है ना, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ, पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, यह दुख के दिन पूरे हो रहे, इसलिए पुरानी बीती बातों को भूल जाओ। आज का प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? बाबा कहते, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी बन देह के स्मृति से न्यारे। तो देह में आना और देह से डिटैच, कर्म करते टाइम देह से देह में रहना, जैसे कर्म हो गया देह से न्यारे, किसकी निशानी है? कछुए की। बाबा कहते कछुए की विस्तार को संकीर्णन करना, मतलब बीती बातों को बिल्कुल भी दोहराना नहीं। बाबा कहते देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया देह अभिमानी बने और फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जैसे अगर हम एक सेकंड कहाँ खड़े हैं, तो खड़े होकर एक राइट स्टेप साइड में लिया तो देह से न्यारे और फिर अपनी जगह पर आए तो देह के अंदर। बहुत ही सिंपल ये अभ्यास है, खड़े होकर एक राइट पैर साइड में लिया देह से न्यारे देह के अंदर, देह से न्यारे देह से अंदर। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमें ये प्रैक्टिस करनी है। आज का गीत है सज्जन यात्रा का गीत है जाग सजनिया जाग। पहले तो कौन सी सजनिया को जगाना है? हमारी आत्मा रूपी सजनिया को जगाना है और फिर सारे सृष्टि की आत्मा रूपी सजनिया को जगाना है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं म्यूट में अपने को म्यूट कर देंगे। आवाज से परे रेखा दीदी। हाँ जी रेखा, नहीं वो रेखा बहन है उनको बोल रहा हूँ। म्यूट में आवाज थोड़ी देर सब वाणी से परे हो जाए, खुद भी और अपने मोबाइल को भी वाणी से परे कर दे, तब म्यूट कर दे या आप ही ऑल म्यूट ऑल कर दीजिए।
रेखा बहन का म्यूट नहीं हुआ है, अभी हो गया। ठीक है, अभी सब वाणी से परे है। बाबा कह रहे थे कि पहले अपनी आत्मा को वाणी से परे ले जाओ, तब आत्मा शांति में परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो बाबा कहते जाग सजनिया जाग। आज का गीत बजा ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, जाग गए हैं ना हम, कलियुग की अंधेरी रात में जग गए, है ना। बाबा कहते ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कुछ ताल्लुक ही नहीं, देख लिया है ना, जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है ना? जैसे कल कहानी घर घर की होती है ना, ऐसे बाबा कहते मैं भी क्या कर रहा हूँ, आपको कहानी सुनाता हूँ 84 जन्मों की। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाबा कहते बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। तो आज का हमारा होमवर्क क्या है, कोई भी पुरानी बातों को हमारे चित पे लाना नहीं है, ना वो सोच सोच कर अपनी अवस्था को खराब करना है। बाबा कहते अब ये दुनिया खत्म होनी है। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी खत्म हो जाएगी। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता, वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। बहुत जिसकी भक्ति की, वो भगवान स्वयं हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें मिल गया, है ना। तो बाबा कहते ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है। जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे, तब लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। जब भी ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा पद भी हमें कैसा मिलेगा, ऊंचा मिलेगा। बाबा कहते अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है, क्योंकि हमें हमारे शरीर की भी संभाल करनी है। अगर शरीर को संभाला नहीं तो ये रथ नहीं चलेगा बराबर, और जब ये रथ बराबर नहीं चलेगा तो भगीरथ के साथ, बाबा के साथ कैसे हम कनेक्शन जोड़ सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते यह तो ठीक है बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे, देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। बाबा क्या कह रहे हैं, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। पेट को भोजन तो चाहिए बाबा कहते, तो देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवा कोई भी नहीं। बल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। बल समझे हम आत्मा अविनाशी है,
यह शरीर विनाशी है परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। सिर्फ समझना नहीं है, सुना समझा सोचा भी, लेकिन बाबा कहते उस स्वरूप में टिकना है। हमें वैसे बनकर हमारे कर्म करने हैं। मैं आत्मा हूं, मेरा यह शरीर है, यह तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ नहीं कर सकते ना, देह ही नहीं रहेगा तो बाबा को याद कैसे करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो, कर्म करते हुए भी अपने माशुक को याद रखना है। इजी है ना? देखो लौकिक में भी जिसकी शादी फिक्स हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वो लोग उनकी ही याद में खोए रहते हैं ना, उनकी बातों में खोए रहते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसका भी ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस माशुक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे, यह कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है, अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। अपना घर कौन सा है? शांति धाम, निर्वाण धाम। तो बाबा कहते अपने घर जाकर फिर कहाँ आएंगे? राजधानी में। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते हैं, माथा फोड़ते रहते हैं, फिर भी सदगति को पा नहीं सकते। तो बाबा हमको कहते हैं एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, एक सेकंड में सदगति, एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही, तो खाली सेकंडों का खेल है। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, यह भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। जैसे जैसे हम ज्ञान को धारण कर रहे हैं, जैसे जैसे इस पथ पर हम चलते हैं, हमें ये स्मृति धीरे धीरे आ रही है कि हम ही वो थे, हमारे में ही देवी संस्कार थे और हम ही उस राजधानी में रहने वाले थे। तो बाबा कहते भारत जैसा सुख कोई पा नहीं सकता। तो हम कितने नसीब वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारत की भूमि पर हम रहते हैं जहां पर भगवान आते हैं ना। भगवान और कोई कंट्री में नहीं आते हैं, सिर्फ भारत की भूमि पर आते हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके, कितना भी प्रयत्न करे। जो सुख अभी हमें मिल रहा है वो सुख पैसे देके भी खरीद नहीं सकते। बाबा कहते धन खर्च करे फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, यह है ही दुख की दुनिया। तो जब बाप कहते हैं आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इतनी जागृति आई है। रोज अगर हम ये पॉइंट्स को दोहराते रहे तो हमारे जीवन में हमें रियलाइज होगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो,
परमात्मा आकर हमें सन्मुख हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास कराते हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए, तुम्हारा काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, बाबा से तुम्हारा संबंध क्या है, तुमने ये सृष्टि पे क्या क्या किया, तुम्हारी पूरी कर्म फिलोसॉफी बाबा बताते। बाप जानी जानर है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। जानी जानन हार है, पर मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं हर एक का यह ख्याल क्यों रखूं। बाबा ये सब नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो। भले वो जाने जानन हार है, उन्हें पता है ड्रामा, पर बाबा कहते ये सब हिसाब में नहीं रखता। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है, इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। तो बाबा कहते देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। देह अभिमान मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस और देही अभिमानी मतलब सोल कॉन्शियसनेस। तो हमको आज बार बार बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास करना है। बाबा आगे कहते हैं अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो, है ना। अभी हम लाउड स्पीकर में बात करते हैं, लेकिन हमारा जो आभूषण कौन सा है, ज्ञान संघ। तो बाबा कहते हैं तुमको यहाँ पर क्या करना है, लाउड स्पीकर नहीं लगाना। कहाँ पर, जब भी हम बाबा को मिलते हैं, बाबा को याद करते हैं, तभी बाबा कहते हैं हमें लाउड स्पीकर नहीं लगाना है। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश हो जाएगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए। बाबा कहते मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, तुम लाउड स्पीकर लगाते हो, वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनना यह है, मौत सामने है। ये कौन से लाउड स्पीकर से सुनाई देगा? जबी आत्मा वाणी से परे होकर उस परम आत्मा से वाणी से परे के धाम में जबी कनेक्ट हो जाएगी, तभी हमें ये आवाज सुनाई देगी कि अभी तो मौत सामने है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते अभी सबको वापिस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, गीता में भी लिखा हुआ है ना, महाभारत लड़ाई लगेगी। ये महाभारत लड़ाई किसकी यादगार है? हम बच्चों की जो रोज रोज हर घड़ी माया से बॉक्सिंग होती है, उसको ही महाभारत की लड़ाई कहा जाता है। बाबा कहते विनाश हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए तो फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले विनाश हो जाएगा फिर स्थापना होगी। विनाश और स्थापना इकट्ठा कार्य चलता है। जैसे हम सबने अनुभव किया कि हम जब ही ज्ञान में आए, हमारे अंदर कितनी कमी कमजोरियां कितने विकार थे,
और वो विकार और देवी गुण, विकार का विनाश होते गया, देवी गुणों की स्थापना होती गई। तो जैसे हमने हमारा परिवर्तन किया धीरे धीरे धीरे, वैसे ही इस सृष्टि का धीरे 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 परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं विनाश होकर पहले पूरी सृष्टि खाली हो जाएगी और फिर नया कुछ बनेगा, नहीं। स्थापना, विनाश और स्थापना का कार्य साथ में चल रहा है। जैसे हम भी हमारे विकारों को निकाल रहे हैं और देवी गुणों को धारण कर रहे हैं, तो निकालना और धारण करना ये जैसे साथ में चल रहा है, वैसे ही विनाश और स्थापना का कार्य भी साथ में चलेगा। बाबा कहते भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं है। इसलिए तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं, बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बाबा अविनाशी, उनकी बर्थ प्लेस अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी। तो बाबा कहते बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, बाबा सर्व का सदगति दाता और सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए, आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांत रहना। तो बाबा कहते आत्मा को इतनी शक्ति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना, घर किसको याद नहीं रहेगा, है ना? हम ये अनुभव करते हैं ना, कहाँ भी घूमने गए लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है कि बस अब हमें घर चलना है। तो ऐसे ही बाबा कहते घर किसको याद नहीं आएगा। विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्म भूमि में ले जाए। अगर यह सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाला शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनको बहुत मान होता। कई भारतवासी भारत छोड़कर विदेश भी चले गए हैं ना, लेकिन विदेश जाने के बाद भी ऐसा सोचते हैं कि उनका अंतिम क्रियाकर्म भारत देश में हो, इसलिए बाबा ये कहते हैं। बाबा कहते एक ही शिव के ऊपर आकर, एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाएंगे, जब भी उन्हें पता चलेगा कि ये भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं, जो सबको सुख शांति देने वाला है उसका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, और हम कौन है? मास्टर दुख हरता सुख करता। बाबा के बच्चे हैं ना, दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं और सुख धाम में सुख है। शांति धाम में शांत और सुख धाम में सुख। तो बाबा कहते शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग, और यह है दुख धाम। सृष्टि दुख धाम, शांति धाम परम धाम, और सतयुग में सुख धाम। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहां एक किस जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुखदाम, कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देते हैं क्या बाबा कोई तकलीफ? बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते। कोई भी परिस्थिति आई, सिर्फ 5-10 सेकेंड बाबा से कनेक्ट हो जाओ, परिस्थिति अपने आप चली जाएगी, है ना? पर हम बच्चे क्या करते हैं, जब भी परिस्थिति आती है हमें मनुष्य याद आते हैं, निराकार परमात्मा याद नहीं आता, और इसीलिए माया से हम लड़ते रहते हैं। बाबा कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है, यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सत्युग में आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा
यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसको आत्मा अभिमानी कहा जाता है ना। अभी आत्मा का ज्ञान मिलने से हमें कोई भी शरीर भी छोड़ देता है तो हमें इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं आत्मा तो अविनाशी है। बाबा कहते हैं यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो, है ना। सब हम जब के अभी मुरली सुन रहे हैं ना, कि थोड़ी थोड़ी निंद्रा रानी के साथ में भी, माया के साथ में भी बैठे हैं, है ना। आज बाबा ने क्या कहा, जाग सजनिया जाग। तो सबसे पहले आत्मा, हमारी आत्मा रूपी सजनी को जगाना है, और जब भी हम जगेंगे, सभी सजनियों का साजन है एक बाप, है ना। अनुभव किया ना, कितने बाबा के बच्चे हैं, सब एक बाप को याद करते, पर हरेक का बाबा के साथ का लव प्रेम, बाबा के साथ का स्नेह, बाबा के साथ का कनेक्शन, बाबा के साथ की रू रिहान, बाबा के साथ जो भी कहो रिश्ता, एक अलग है। हर एक का अलग अलग अनुभव है। तो बाबा कहते तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ और सुप्रीम टीचर भी हूँ। सर्व गुरुओं को सदगति दाता भी मैं ही हूँ, एक ही सदगुरु। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सद्गति करता हूँ, गति के बाद सद्गति होती है। बाप ने समझाया है हरेक की आत्मा को वापस जाना है, हरेक की आत्मा को वापस जाना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा चले गए और गुलजार दादी जी भी अव्यक्त हो गए। तो बाबा कहते हरे की आत्मा को वापिस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है।